धर्मनगरी मथुरा में मां बगलामुखी देवी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मथुरा शहर के पुराना बस स्टैंड के निकट स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मां बगलामुखी देवी मंदिर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां बगलामुखी देवी के पंचामृत अभिषेक के साथ हुआ। इसके उपरांत संध्याकालीन बेला में मां भगवती का नैनाभिराम श्रृंगार धरा कर नवीन वस्त्र धारण कराए गए। वहीं इस मौके पर समूचे मंदिर प्रांगण को विभिन्न प्रकार के फूलों, गुब्बारों एवं आकर्षक विद्युत रोशनी से जगमगा गया था। विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध एवं आकर्षक विद्युत रोशनी के मध्य मां भगवती का अलौकिक एवं अद्भुत श्रृंगार भक्तों को आकर्षित कर रहा था। वहीं इस अवसर पर मां भगवती की विशेष आरती की गई, जिसमें उपस्थित जनसमूह ने अपनी आराध्य मां भगवती के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मिलित होकर धर्म प्रेमी जनता ने प्रसाद ग्रहण कर मां भगवती का आशीर्वाद लिया। इस आयोजन के संबंध में मंदिर सेवायत वीरू पंडा ने मंदिर के प्राचीन महत्व से अवगत कराते हुए आयोजन के संबंध में जानकारी दी। आज मां भगवती का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या आज सुबह से बहुत हर्षोल्लास से, पहले तो पंचामृत का अभिषेक किया, फिर फूल बंगला आप देख ही रहे हैं सज गया है, आरती होने वाली है और स्टॉल लगा के चाट पकौड़ी की धूमधाम से माँ बगलामुखी की हैप्पी बर्थडे मनाई जा रही है। व्यवस्थाएं किस तरीके की रखी गई है? व्यवस्थाएं समस्त मथुरा शहर की धर्मपरायण जनता को निमंत्रित किया गया है, आते जाइए खाते जाइए और जयकारा बोलते हुए माँ बगलामुखी के चरणों में समर्पित भाव से दंडौती लगाइए। वर्तमान स्थिति की यदि और यहाँ स्थल की बात करें तो कितना प्राचीन स्थल है और किस तरीके की इसका महत्व है? ये भगवान श्री कृष्ण के जमाने की स्वयंभू देवी हैं, जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी समस्त मनोकामनाओं को संपूर्ण करती हैं। 40 साल तक झाड़ू लगा रहा हूँ, अभी तक तो अनुभव यही किया कि अगर 100 लोग आए तो उसमें से 90-95 आदमियों की सुनवाई हुई है।